नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme Narzo 35G versus Realme Narzo 50 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Narzo 35G में 6.4 इंच जबकि 50 Pro 5G में 6.31 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Narzo 35G से कम है। विड्थ की बात करें तो Narzo 35G में 2.94 इंच जबकि 50 Pro 5G में 2.89 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Narzo 35G से कम है। बात करें थिकनेस की तो Narzo 35G में 0.33 इंच जबकि 50 Pro 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Narzo 35G में 185 ग्राम जबकि 50 Pro 5G में 181 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Narzo 35G में इट्स LCD जबकि 50 Pro 5G में सुपर AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Narzo 35G में 6.5 इंचेस जबकि 50 Pro 5G में 6.4 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Narzo 35G में 83.92% जबकि 50 Pro 5G में 84.21% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Narzo 35G में 405 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 50 Pro 5G में 411 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो Narzo 35G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और 50 Pro 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Narzo 35G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 50 Pro 5G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Narzo 35G में Mali G57 MC2 जबकि 50 Pro 5G में Mali G68 MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Narzo 35G में MediaTek Dimensity 700MT6833 और 50 Pro 5G में MediaTek Dimensity 920MT6877T मिलता है। बात करें RAM की तो Narzo 35G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB की RAM मिलती है, जबकि 50 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Narzo 35G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि 50 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Narzo 35G में अप टू 1TB जबकि 50 Pro 5G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Narzo 35G में Android V11 जबकि 50 Pro 5G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो नाजो 35G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस, 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 50 Pro 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 23,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Realme Nazo 35G में तीन फायदे और एक नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें Realme Nazo 50 Pro 5G की तो उसमें सात फायदे और आठ नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में 50 Pro 5G आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में 50 Pro 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें मोटो G71 5G है, दूसरा सैमसंग गैलेक्सी M33 5G है, तीसरा Realme 9 Pro Plus 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 11T 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।